जैसे कि आपने नेहरू पार्क देखा है, फजलगंज स्टेडियम देखा है, वो भी यहाँ पे लोग घूमते हैं, खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। ये आपको सबसे बड़ा कि नेचुरल जगह पे ही आपको हजरत चंदन सहित पीर रहमतुल्लाह के दरगाह के नीचे है, साइड में है, जहाँ पर झरना गिरता है उसके ऊपर में ही आपको पार्क है। इसको ओपनिंग हो चुका है और यहाँ पे लोग झूला झूलते हैं, डस्टबिन का ध्यान रखते हुए यहाँ पे सब कचरे को फेंकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ आपको बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत बच्चों के लिए झूला लगा हुआ है। अभी शुरुआत है और ये आपको देखने में बहुत ही प्यारा और खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं जो शेर लगा हुआ है, ये लकड़ी का है, जो पानी में धूप में ख़राब नहीं हो। ये सारा चीज़ व्यवस्था देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बहुत ही खूबसूरत लोग इंजॉय करने के लिए बच्चे जो होते हैं बहुत ही मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये सबसे बड़ी खुशी होती है जो बच्चों के लिए कि कहीं भी जाओ, मतलब कि पहाड़ वहाड़ चले गए तो वहाँ पे भी घूमने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। आपको सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर रात हो जाती है शाम के बाद, तो वो आपको 7 या 8 बजे तक आपको यहाँ पे रह सकते हैं और बच्चों के साथ इंजॉय कर सकते हैं, खेल सकते हैं, बच्चे लोग झूला झूल सकते हैं। और लाइट जो लगी हुई एकदम बहुत खूबसूरत तरीके से लगा हुआ है, और ये आप देख सकते हैं कि रात हो चुकी है, ये अभी भी लगा हुआ है। तो मैं अचानक एक दिन चला गया था देखने कि चलो, तो जिस दिन आज ही जिस दिन गया उसी दिन यह सारा ओपनिंग होता है, जहाँ पे देख सकते हैं सारा आर्टिस्ट हुआ। ये हमारे फिर दूसरे दिन गए थे, दिन में गए थे, तो ये दूसरे दिन का वीडियो है दिन का, जहाँ पे लोग भीड़ बहुत ज़्यादा होने लगी। और हमारे बाबू है सामरा है, उसके साथ गए थे, वो खूब खेल रही थी, कह रही है चलिए चलिए अंकल पार्क चलते हैं, तो मैं उसके लिए चलो चलते हैं, उसकी वीडियो बनाए हैं। और वो देखिए कितनी मस्ती कर रही है, खेल रही है। चलो, सबसे बड़ा ये है कि बच्चों के लिए सबसे बड़ा खुशी है, और बच्चे देखिए कितना खुश हो रहे हैं, सभी बच्चे वहाँ खुश हैं और झूला झूल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उनको के लिए आज़ादी है। अभी आज़ादी से सब बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी ये खासियत है कि झूले का कोई भी भाड़ा चार्ज नहीं है अभी, और यहाँ पे बहुत और भी हो सकता है कि 2-3-4 झूले हो गए हैं। यहाँ पे खिलाड़ी जो होता है स्लीपर, वो है ये लकड़ी का ट्रेन बना हुआ है, जो बच्चे अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं। इसे देखिए ट्रेन के ड्राइवर हैं, और जो बाबू सामरा है वो कह रही है देखिए मैं ट्रेन चला रही हूँ। तो ये सब सारी खुशी देख के बच्चे को, आदमी को, हम सभी को खुशी होती है कि चलो कोई बच्चा किस है तो खुश है तो हम भी खुश हैं। तो यहाँ पर जितने बच्चे हैं सभी के बच्चे आते हैं, खेलते हैं और जो खेल रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। ये देखिए भाई साहब यहाँ पर शाहरुख खान बने हुए हैं, ये देखिए यहाँ पे वो छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्लीपिंग के राउंड में आ रहे हैं, और हम देखने के बाद अच्छा लग रहा है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो झूले झूल रहे हैं और भी उसमें ज़्यादा लोड हो जा रहा है, तो ऐसा ना करें मेरे ख्याल से, क्योंकि झूला है कुछ दिन, ज़्यादा दिन तक चले तो अच्छा रहे, नहीं तो ऐसे ज़्यादा लोड देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। झूले 4 लोग 5 लोग बहुत हैं, अब उसके ऊपर 10 लोग लग जाएंगे तो झूला टूट जाएगा, तो कुछ नुकसान हो जाएगा। तो मैं तो चलो अपने बाबू के साथ खेलने आ गया, जहाँ पर देखिए स्लीपर है वो हाई कर रही है। तो अभी फ़िलहाल तो यहीं पर हैं, ये छोटा सा ब्लॉग वीडियो भी है, आप इसको लाइक कमेंट शेयर भी कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आप सासाराम में आए हैं तो इसका भी एक पार्क है, और यहाँ पे इसी के बगल में स्पोर्ट एरिना कैफ़े भी है और डाउनटाउन है, जहाँ पे आपको रेस्टोरेंट भी मिल जाता है, खाने पीने की व्यवस्था भी है, और स्पोर्ट एरिना में आपको खेलने के लिए भी बहुत सारी व्यवस्था है, क्रिकेट का है। तो आपको सबसे बड़ी बात है कि ये सारा जो चीज़ हो रहा है अभी फ़िलहाल यहाँ पे पहाड़ी के पास है, ये सासाराम में है, और ये हमको देखने के बाद बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लग रहा है आपको। YouTube चैनल राशिद वर्ल्ड सासाराम, लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।